अरे सेंटा भैया, कहाँ जा रहे हो सीढ़ी पे चढ़कर? हैं? किसी का बल्ब फ्यूज हो गया क्या? अरे तुम्हारे पीछे का बल्ब देखो, ये भी तो फ्यूज है। और भाई लोगों, गेम की शुरुआत होने वाली है। टीना, हुसैन और मुश्किल लगे हुए कुछ कुछ बिछाने में, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। 1 2 3 4 बस 4 इतने बड़े शरीर में कुछ तो चिपका लेता। उसे देखा नहीं जा रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये है हमारे राहुल लोहानी। कॉलेज से लेके आज तक ये पहली बार हुआ है ना। यहाँ पे सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट्स बट रहे हैं और यहाँ बच्चों ने कोहराम मचा रखा है। लुक एट देम। So, आज का प्लान ऐसा कि कल रात को तो हम लोग कहते थे बहुत लेट हो गए थे, 3 बज गए थे। एज यू नो, आज के ब्लॉग में आपको समझ में आ जाएगा। मैगी को और लेट हुआने में उसको आते थे 5 बज गए थे एंड वापस से वो 10:30 बजे चली गई। उसके बाद घर का बेसिक थोड़ा बहुत काम जो करना होता है वो मेरे हाथ में आ गया और कपड़े धुल गए हैं। समीर कपड़े सुखा रहा है। आज के व्लॉग में जो आप ड्रेस देखोगे बच्चों की, जो कि सुरवी ने कस्टमाइज्ड सबके लिए बनवाई है, ये सबको आज पहनना है इन बच्चों को। ये पहन के कैसा लगेगा ये तो मायरा आपको दिखाएगी। तो मैं मेरी टेबल पे जाता हूँ, एडिट टेबल पे, और फिनिश करता हूँ आज का एडिट। मैगी के पास फ़िलहाल टाइम नहीं है और वो सीधा सुरवीन की पार्टी में ही मुझे मिलेगी, क्योंकि सेटअप भी सुरवीन के घर पे ही चल रहा है और वो बहुत इलैबरेट होता है एंड सुरवीन लाइक्स एवरीथिंग बिल्कुल माइन्यूट डिटेलिंग के साथ उसको चाहिए होता है, क्योंकि आपको देखने के बाद लगेगा कि कितना मेहनत का काम है और ये सब माइंड है हमारी मेघना का। ओके, थोड़ा सा लेट हुआ आज, लेकिन 4 बजे मेरा ब्लॉग अपलोड हो गया है एंड थोड़ा लंबा ब्लॉग हो गया है। पहले बीच में हमको जाना था टू बाय समथिंग फ्रॉम मायरा, बट मायरा तो बहुत लेजी मोड में, क्योंकि आज से उसकी छुट्टियाँ शुरू हो गई। लुक एट हर। मम्मा इज गोना बाय द शी डजंट बाय देन वी आर गोना गो। वो अलग ही जोन में। A few moments later. टीना के घर पे छोटे बच्चों के लिए पहले पार्टी है, फिर बड़े लोग एंटर होंगे। तो सब लोग सीक्रेट सेंटा खेलते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट तो आ गए लेकिन उनका गिफ्ट रैप नहीं हुआ है, तो नाउ आई हैव टू गो विद मायरा एंड सबको गिफ्ट रैप कराने पड़ेंगे। ये सब आके रखा हुआ है सामान। सो दीज आर द गिफ्ट्स, कैंडी मेकर, समथिंग। तो ये सब बच्चों के गिफ्ट्स हैं जो मुझे जाके अभी गिफ्ट रैप करा के आना है, क्योंकि मायरा इज लीविंग अर्ली विद सुरवीन्स डॉटर एंड वील गो लेटर। अपना जाना हो गया वेस्ट, क्योंकि भैया कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जितनी भी शॉप्स हैं सब लोग अपने जो उनके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जो गिफ्ट्स बेच रहे हैं, उनकी गिफ्ट रैपिंग के लिए भी लोग कम पड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ गिफ्ट रैपिंग कराने हैं तो भाई बहुत मुश्किल है, छोड़ जाओ कल दे देंगे, लेकिन पार्टी तो आ जाए ना। सो अभी मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर और टेप सब ले लिया है, अब घर जाके देखते हैं क्या करना है यार, क्योंकि मुझे सब नहीं आता है। आई एम बैड इन दैट। Much later. आज रनिंग नहीं किया,
लेकिन मैंने 6 ओवर बॉलिंग किया है और उसके बाद सुरेश जी ने बॉलिंग किया और अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस हुई, अच्छी नॉकिंग हुई. सो ओवरऑल सुपर वर्कआउट हो गया है. अब बजे हैं 10:30 और हम लोग निकल रहे हैं टीना के घर. मैरी क्रिसमस. सो हम बिल्कुल सेंटा की तरह रात को 12 बजे उसे एंटीना के घर पहुंच रहे हैं. एंड ये देखो डेकोर. तो ये सब करने के लिए बेचारी को सुबह के 5 बज गए थे क्योंकि ये क्रिएटिव काम है और इसमें टाइम लगता है. लुक एट द डेकोर मैन. और सब बच्चों को गिफ्ट मिल रहे हैं. ये बच्चा जो कैमरे के साथ खड़ा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है. पहले इसका वीडियो निकाल. हाय, इतने अंधेरे में तो अच्छा भी नहीं आएगा. दो लाइट चला देते हैं. बचपन में हम भी पढ़ते थे, हमें तो कभी नहीं मिले ऐसे गिफ्ट. उनको मिले थे क्या? ये पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं पढ़े. हमको नहीं मिला तो हमने ठीक ठाक ही किया. अच्छा किया कि गिफ्ट दे पा रहे हैं. गुड नाइट, शुभ रात्रि, मैरी क्रिसमस.